असलम वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड आज की वीडियो में हम लेक्चर 41 करेंगे मैथ 301 का इसमें सबसे पहले आपने एक एग्ज़ाम्पल करनी है फ़ोर ईयर सीरीज से रिलेटेड जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ठीक है उसके बाद हम अगले नए टॉपिक पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के अंदर तीन दो फंक्शन दिए हुए और आपसे कहा गया है कि एक पीरियडिक फंक्शन है तो आपने इसकी फ़ोर ईयर सीरीज़ फाइंड करनी है तो याद होना चाहिए आपको कि फोर ईयर सीरीज़ फ़ाइंड करने के लिए आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक आपको ए नॉट चाहिए ए एन चाहिए और बी एन चाहिए तो सबसे पहले तो हम ए नॉट का फार्मूला लिख लेते हैं वो क्या है वन ओवर पाई साथ में इंटीग्रेशन माइनस पाए से पाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये जनरल फार्मूला इसका होता है वो हमने लिखा अब एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पे दो दिए हुए तो पहले आप क्या करें एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस पुट करें पहला फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन जीरो है तो जीरो पुट करें अब जब आपने माइनस पुट किया है तो लिमिट्स माइनस पाए से जीरो तक आएंगी और प्लस जब आपने जीरो पुट किया है तो लिमिट जीरो से पाई तक आएंगी उसके बाद अब ये जो माइनस वा, जो जो वन ओवर पाए है वो एज इट इज़ माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगी साथ में लिमिट्स लगती प्लस जीरो की इंटीग्रेशन जीरो ही होगी तो वो फंक्शन आपने डायरेक्ट ज़ीरो कर दिया अब यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई कर दें टू तो बाहर आ जाएगा ना और अगर आप अंदर भी रखें तो भी ठीक है अब यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट करेंगे जीरो तो वो जीरो हो गई माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस पाए माइनस पाए का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस पाई हो जाएगा ठीक है और ये बाहर वाला माइनस एज इट इज अब ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो पाई बाय पाई स्क्वायर बाय टू आ गया अब यहाँ पे देखें तो पाई स्क्वायर बाय टू वन बाय पाई से मल्टीप्लाई होकर जो भी कटिंग होती है वो कर दें तो पाई बाय टू हमारे पास वैल्यू आ गई ए नॉट की इसी तरह से अब आपने ए एन की वैल्यू निकालनी है ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे वन ओवर पाई एफ ऑफ एक्स कॉल एन एक्स टी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह एक दफा माइनस एक्स आ जाएगा एक दफा एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो आ जाएगा लिमिट्स भी आपने उसके हिसाब से लगा देनी है अब माइनस बाहर अगर आप निकाल लें तो अंदर x cos nx बचता है इस पर तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे ना क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये तो सारा जीरो हो गया तो सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ठीक है इस पर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है माइनस वन ओवर पाई एज इट इज़ माइनस हमने बाहर निकाल लिया अंदर इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें एक्स एज इट इज़ इसकी इंटीग्रेशन और साइड पर लिमिट्स आ गई माइनस यहाँ पे आप देखें एक्स कॉज एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे वो साइन एन एक्स बाई एन आएगा तो एन हमने बाहर लिख लिया अंदर साइन एक्स रह गया और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और साथ पे ये इंटीग्रेशन आ गई अब आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन करें ठीक है यहाँ पे देखें साइन एन एक्स है तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे ना ज़ीरो तो वो सारा जीरो हो जाएगा जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस पाए uh, तो वो भी क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि साइन की पाए पे भी वैल्यू जीरो होती है तो ये पूरा फंक्शन तो यहाँ पे जीरो हो गया माइनस वन और एन यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद कॉज एन एक्स आ जाएगा इसके अंदर आपने अपर और लोअर लिमिट पुट कर दिए हैं जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉज जीरो आ जाएगा माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉज माइनस पाए और कॉज के अंदर अगर माइनस आ भी रहा हो तो वो उसको अब्जॉर्व कर लेता है तो ये प्लस पाए हो जाएगा कॉज एन पाए और ये वाला माइनस जो है ये आपने इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्लस हो गया ठीक है कॉज जीरो वन होता है कॉज एन पाए आ गया ये आप इसको ब्रैकेट को अगर ओपन कर दें तो एन स्क्वायर पाए से मल्टीप्लाई होकर माइनस वन ओवर एन पाए एन स्क्वायर पाए और अंदर वन माइनस कॉज एन एक्स अब कॉज एन एक्स भी क्या होता है समटाइम्स इवन होता है समटाइम्स ऑड होता है कैसे पता चलेगा इवन तब होता है अगर एन की वैल्यू इवन हो एन की वैल्यू जब हम इवन पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉज टू एक्स आएगा ठीक है फोर एक्स आएगा और इन वैल्यूज़ पर कॉज की जो होती है ना वैल्यू वो वन होती है टू पाए फोर पाए सिक्स पाए यहाँ पर कॉज वन होता है और अगर यहाँ पर ऑड नंबर्स आ जाएँ यानी थ्री पाए फाइव पाए सेवन पाए या वन पाए तो उस पर माइनस वन होती है उसकी वैल्यू तो जब वो ईवन होगा तो इसकी वैल्यू वन आएगी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो ए एन जीरो आता है अगर एन ई है तो और अगर एन ऑड हो तो कॉज का आंसर माइनस वन होता है ना तो यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा ये टू वन से मल्टीप्लाई होकर माइनस टू ओवर पाए एन स्क्वायर तो ए एन की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई ईवन के लिए अलग से और ऑड के लिए अलग से इसी तरह से अब आपने बी एन की वैल्यूज निकाल दिए तो बी एन का सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लिया वन ओवर पाए एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स और एफ ऑफ एक्स की जगह एक दफ़ा माइनस एक्स आ जाएगा एक दफ़ा जीरो आ जाएगा लिमिट्स भी ऐसे पुट कर दी ये तो यहाँ पे खत्म हो गया अब एक्स साइन एक्स पे भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है ठीक है इंटीग्रेशन में पार्ट्स के लिए एक्स एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन फिर डबल इंटीग्रेशन होती है और साइन की इंटीग्रेशन कॉज होगी कॉज के नीचे जो एन आ रहा था वो आपने बाहर लिख लिया अब इस पे कॉज की आप अगेन इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है तो वो साइन एन एक्स वगैरह एन आ जाएगा अब आपने दोनों के अंदर लिमिट्स पुट कर देनी है यहाँ पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा इस ज़ीरो की वजह से और जब आप माइनस पाए पुट करेंगे तो ये माइनस और इसका जो अंदर कॉज का माइनस होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा और इस एक्स की जगह जब माइनस पाए आएगा तो ये प्लस पाए और कॉज यहाँ पे एन पाए ओवर एन अब कॉज एन पाए जो है ये आप ऐसे ही नीचे उतार लें यहाँ पे जो साइन एन पाई है इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट करें तो साइन जीरो भी जीरो होता है साइन पाए भी जीरो होता है तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा तो सिर्फ कॉज वाला बचा हमारे पास अब यहाँ पे पाए और पाए तो कैंसिल हो रहे थे तो कॉज एन पाए ओवर एन आपके पास आ गया लेकिन यहाँ पे एक और बात कि कॉज की वैल्यू अगर एन इवन हो तो ये आएगी और अगर एन ऑड हो तो ये आएगी कैसे पता चलता है देखें अगर एन इवन है तो अभी हमने पीछे भी देखा अगर एन ईवन हो तो कॉज की वैल्यू प्लस वन आती है तो ये वन ओवर एन बी एन की आंसर आ जाएगा लेकिन अगर ये एन की वैल्यू ऑड हो यानी जैसे वन थ्री फाइव है तो फिर इसका आंसर माइनस वन आता है तो वो माइनस वन ओवर एन बी एन की वैल्यू आ गई अब हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास क्या क्या हमने फाइंड किया ए नॉट फाइंड किया वो ये आया ए एन ईवन के लिए ये आया ऑड के लिए ये आया बी एन ईवन के लिए ये है और ऑड के लिए ये है नोट कर ली हमने चीज़ें अब हम फोर ईयर सीरीज लिखते हैं तो फोर ईयर सीरीज़ के जनरल फॉर्म हमने लिखी ए नॉट की जगह उसकी वैल्यू पाए बाय टू पुट कर दें प्लस इसको ओपन करना है आपने अब यहाँ पे ना पहले ए वन आना चाहिए ठीक है ए वन जब आएगा और यहाँ पे कॉज वन एक्स आएगा तो ए वन की वैल्यू क्या होगी ए एन है तो एन जब इवन हो सॉरी ऑड हो तो वो आता है माइनस टू ओवर पाए एन स्क्वायर तो यहाँ पे इसी इस जगह एन की जगह टू ओवर पाए एन स्क्वायर आ जाएगा फिर ईवन के लिए वो जीरो हो जाता है तो यहाँ पे टू जब पुट करेंगे तो वो ईवन आ रहा है ना तो ये सारा क्या हो जाएगा जीरो फिर थ्री पुट करना है ऑड तो थ्री तो ऑड है ऑड के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है माइनस टू ओवर पाएन स्क्वायर तो वो माइनस टू ओवर पाएन स्क्वायर पुट की हमने यहाँ पे कॉस थ्री एक्स आ जाएगा फिर जब आपने फोर पुट करना है तो फोर ईवन आ गया ईवन के लिए ए एन की वैल्यू जीरो है तो ये सारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसी तरह से आपने यहाँ पर देखना है जी जब आप फाइव पुट करेंगे तो फाइव तो और नंबर है तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे माइनस टू ओवर पाए और एन का स्क्वायर है यानी फाइव का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ एन का स्क्वायर था तो थ्री का स्क्वायर था ठीक है अब इसी तरह से आपने यहाँ पे चलते जाना है आगे और अब आते हैं साइन की तरफ ये इसको तो हमने एक्सपेंड कर लिया साइन के अंदर पहले एन की वैल्यू वन आएगी तो वन क्या है एक और नंबर है तो यानी बी की वैल्यू आपने माइनस वन ओवर एन पुट करनी है और यहाँ पर वन आ जाएगा तो माइनस वन ओवर एन साइन एक्स तो ये आ गया ठीक है इसी तरह से यहाँ पे हमने जब इसकी जगह टू पुट करना है इस एन की जगह और इस एन की जगह तो टू इवन है इवन के लिए वैल्यू वन ओवर एन है तो एन को तो हम टू पुट कर रहे हैं ना तो वन ओवर टू साइन टू एक्स माइनस फिर ऑड है तो ऑड के लिए माइनस वाली यानी ईवन के साथ प्लस आता जाएगा ऑड के साथ माइनस आता जाएगा तो ये इस तरह से आपके पास आंसर आता है अब आप देखें ये जो कॉज वाली टर्म्स है ना इन सब के अंदर यहाँ पर आ रहा है टू ओवर पाए कॉमन आ रहा है तो वो हम टू ओवर पाए कॉमन ले लेते हैं और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं जिसकी वजह से अंदर ये जो साइन वाले फंक्शन है उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आपके पास फोर ईयर सीरीज़ है अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑड एंड ईवन फंक्शन ये बहुत ईजी टॉपिक है ठीक है कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको इवन फंक्शन क्या होते हैं अ फंक्शन इज सेट टू बी इवन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ऑल्सो इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस यानी इवन फंक्शन क्या होता है अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है उसमें आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें और आंसर आपका सेम आए तो इसका मतलब है वो एक इवन फंक्शन है और ये जो इवन फंक्शन होता है ना वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक का मतलब है जैसे ये है आपके पास यू आप इसको ये वाई एक्सिस है ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग कट करें तो दोनों साइड पर सेम शेप बचती है तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस तो यहाँ से देखें आपको एक्जाम्पल दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज़ ईक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने बताना है कि ये इवन फंक्शन है या नहीं है तो देखें हमने क्या करना है इवन फंक्शन के लिए हमने ऊपर भी देखा एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना होता है माइनस एक्स तो पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इस एक्स की जगह भी माइनस एक्स इस एक्स की जगह भी माइनस एक्स और एक्स का स्क्वायर था तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स ये वाला एज़ इट इज़ इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो वो प्लस हो जाएगा तो ये दोबारा से देखें वही आंसर आ गया ना यानी ये आंसर हमारा किसके इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के तो हमारा जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया इसलिए ये क्या है एक इवन फंक्शन है और इसको आप एग्जाम्पल इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप x की वैल्यू एक दफ़ा 2 पुट करें एक दफ़ा माइनस टू पुट करें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस टू पुट करेंगे तो वो भी प्लस फोर ही आएगा यानी दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहा है इट मीनस ये ईवन फंक्शन है उसके बाद है जी कॉज एक्स अब कॉज जो है आपको पता है कि कॉज के अंदर अगर माइनस आ रहा हो एंगल में तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है यानी माइनस ख़त्म हो जाता है तो कॉज एक्स है एक्स की जगह आप इसकी जगह माइनस पुट करेंगे तो इस एक्स की जगह भी माइनस पुट करेंगे कॉज तो अपने अंदर माइनस को ख़त्म कर देता है तो ये सिर्फ कॉज एक्स बचेगा तो ये कॉज एक्स दोबारा से एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया ना यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के तो कॉज एक इवन फंक्शन है वैसे भी आपने याद रखना है कॉज जहाँ भी आएगा ना वो क्या होगा एक ईवन फंक्शन होगा उसके बाद आ जाते हैं जी ऑर्ड फंक्शन ऑर्ड फंक्शन किसे कहते हैं ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें ना तो वो माइनस खत्म ना हो बल्कि बाहर आ जाए यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के और ये जो है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ है तो ये ओरिजिन होता है ना ओरिजिन से इस साइड पे और इस साइड पे सेम शेप आ रही है इसका मतलब है कि ये ऑड uh, फंक्शन का ग्राफ है ठीक है अब आपके यहाँ पे एक्जाम्पल में दिया हुआ वा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो आपने क्या करना है एक्स को इक्वल टू पुट करना है माइनस एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स आएगा तो एफ इन टू माइनस एक्स यहाँ माइनस एक्स आएगा तो माइनस एक्स का क्यूब और ऑड पावर है तो माइनस खत्म तो नहीं होगा माइनस एक्स क्यूब आएगा अब ये जो माइनस है ना ये एज इट इज और एक्स क्यूब ये जो एक्स क्यूब है वो किसकी वैल्यू थी एफ ऑफ़ एक्स की वैल्यू होती है तो एक्स क्यूब की जगह आप एफ ऑफ एक्स पुट कर दें तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपका इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के सो इट इज एन ऑड फंक्शन अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं एक दफ़ा टू पुट करें एक दफ़ा माइनस टू टू का क्यूब लेंगे तो एट आ जाएगा माइनस टू का क्यूब लेंगे तो माइनस एट आ जाएगा यानी ये नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ टू आया ना तो इसका मतलब है कि ये एक ऑड फंक्शन है उसके बाद साइन की फॉर्म में एक्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आपने एक्स को इक्वल टू माइनस पुट करना है इस एक्स की जगह माइनस एक्स इस एक्स की जगह भी माइनस एक्स अब साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो तो बाहर आ जाता है ना ये वाला अब माइनस एज इट इज़ साइन एक्स जो है वो किसकी वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स की तो ये माइनस एज इट इज़ साइन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्सपुट कर दें तो हमारा ये प्रूव हो गया कि माइनस एक्स जो है वो इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के सो इट इज़ एन ऑड फंक्शन और आपने जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना है कि साइन का जो फंक्शन होता है वो हमेशा ऑड होता है कॉज का फंक्शन हमेशा इवन होता है साइन का फंक्शन हमेशा ऑड होता है और ऐसा फंक्शन जो ना तो y एक्स के सिमेट्रिक हो और ना ही ओरिजिन के सिमेट्रिक हो उसे हम कहते हैं नीदर इवन नॉर ऑड यानी जो ना तो इवन है ना ऑड है जिसका आंसर ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है ना माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आता है इसका मतलब है कि वोट इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है अब नीचे कुछ एक्जाम्पल्स हैं कि अगर आपको ग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है ना क्वेश्चन तो फिर आपको कैसे पता चलेगा देखें अगर ये ग्राफ दिया हुआ है आप इसको y एक्सिस के अलाग कट करें तो इधर और इधर सेम शेप बन रही है इसका मतलब है कि ये इवन है क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है इसको अगर आप ओरिजिन से कट कर दें तो इसके ऊपर नीचे सेम शेप आ रही है अगर ये ओरिजिन के अलॉन्ग समेट्रिक है तो इसका मतलब है ये ऑड होगा ये देखें इसको अगर हम ओरिजिन से कट करें तो भी ऊपर नीचे सेम शेप नहीं आती वाई के अलॉन्ग कट करें तो भी ऊपर नीचे सेम शेप नहीं आती ठीक है ये यहाँ नीचे से शुरू हो रहा है ये ऊपर से शुरू हो रहा है तो ना तो ये वाई एक्सिस के अलॉगमेट्रिक है ना ही ये ओरिजिन के अलॉन्गमेट्रिक है सो इट इज़ नीदर इवन नॉर ऑड उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ ऑड एंड ईवन फंक्शन की दो अगर आपके पास इवन फंक्शन हों और आपको उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर इवन ही आता है दो ऑड होंगे तो आंसर ऑड ही आएगा उनको मल्टीप्लाई करने से अगर दो एक ईवन एक ऑड है तो आंसर ऑड एक बात यहाँ पे आप बस ये याद रख लें कि अगर दोनों सेम है ना तो ईवन आएगा यानी दोनों ईवन है या दोनों ऑड हैं तो आंसर इवन फंक्शन होगा लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हैं यानी एक ईवन है एक ऑड है फिर आंसर आपका ऑड आता है ठीक है इजिली याद रहेगा ना दोनों अगर इवन है या दोनों ऑड हैं यानी दोनों सेम आ रहे हैं तो इवन आंसर आता है और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो फिर ऑड आंसर आता है जैसे हम प्लस माइनस करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है कि अगर जैसे दोनों प्लस हो तो आंसर प्लस आता है दोनों माइनस हो तो भी आंसर प्लस आता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना और अगर दोनों डिफरेंट हों तो फिर आंसर माइनस आते हैं यानी दोनों सेम हो तो प्लस आंसर इसी तरह से दोनों सेम हो तो ईवन आंसर उसके बाद जी टू इवन फंक्शन ये इनका प्रूफ दे दिया उन्होंने थोड़ा सा अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है ना इवन को ईवन से मल्टीप्लाई करें तो ईवन ही आंसर आता है वो छोटा सा प्रूफ है यहाँ पे कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब अगर तो ये दोनों ईवन है ठीक है अगर दोनों फंक्शंस क्या हैं इवन है यानी एफ ऑफ एक्स भी इवन है एफ जी ऑफ एक्स भी इवन है तो अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स दोनों में पुट करें और यहाँ भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो अगर तो ये इवन है तो आपको पता है कि इवन फंक्शन में जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है पीछे हमने देखा था ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता है और अगर जी ऑफ माइनस एक्स होगा तो जी ऑफ एक्स की इक्वल होगा तो इवन है तो ये इस तरह से आपने लिख देना है अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोबारा से किसके इक्वल आ गया ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी ना तो माइनस पुट करने से दोबारा आंसर एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया इसका मतलब है दो इवन नंबर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर भी आपका इवन ही आया है इसी तरह से दो ऑड फंक्शंस जब हम मल्टीप्लाई होते हैं तो देखिए फंक्शंस लिखे हमने यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ भी माइनस एक्स यहाँ भी माइनस एक्स अब ऑर्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि माइनस बाहर आ जाता है यही पढ़ा था ना हमने तो इन दोनों का माइनस बाहर आ जाएगा एफ़ ऑफ एक्स का भी और जी ऑफ एक्स का भी अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जी ओफ एक्स एफ ऑफ एक्स दोबारा से किसकी वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स की तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर दें तो ये दोबारा से इसी के इक्वल आ गया यानी दो ऑड फंक्शंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो भी वो क्या आंसर देते, है? देते हैं ई आंसर देते हैं उसके बाद एक ऑर्ड अगर एक इवन हो तो आपने फंक्शन लिखा इन दोनों की तीनों की जगह एक्स की जगह माइनस पुट किया अब एक इवन है और एक ऑर्ड है तो अगर एफ ऑफ एक्स ऑर्ड है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा अगर ये जी ऑफ एक्स ईवन है तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा अब ये माइनस बाहर एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स किस वैल्यू थी कैपिटल एफ ऑफ एक्स की उसकी तो जगह एफ ऑफ एक्स यानी उसके नेगेटिव के इक्वल आया इसका मतलब है कि ये क्या होगा ऑर्ड होगा अगर एक इवन और एक ऑर्ड हो तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्स स्क्र साइन टू एक्स ये क्या है देखें दो है ना यहाँ पे फंक्शंस तो एक्स स्क्र ईवन है क्योंकि देखें इसके अंदर अगर आप कुछ भी पुट करेंगे ना उसका स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा यानी ये क्या है ईवन है और जो साइन है साइन का फंक्शन हमने पीछे पढ़ा था क्या होता है ऑड होता है साइन का फंक्शन हमेशा ऑड होता है तो इवन और ऑड मल्टीप्लाई होंगे इवन और ऑड मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है ऑड क्योंकि ये दोनों सेम तो नहीं है ना तो आंसर ऑड आएगा तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है एक ऑड फंक्शन है यहाँ पे एक्स क्यूब और कॉज एक्स आ गया इसके अंदर अगर माइनस पुट करेंगे तो माइनस आएगा आंसर में क्योंकि ऑड पावर है तो इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है और कॉज का फंक्शन क्या होता है हमेशा इवन होता है क्योंकि कॉज़ अपने अंदर आने वाले माइनस को ख़त्म कर देता है तो ऑड और इवन जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर ऑड आता है यानी ये भी क्या है ऑड है इसी तरह से आपके पास थर्ड है कॉज टू एक्स और कॉस थ्री एक्स अब आप देखें यहाँ पे कॉज वाला फंक्शन ईवन होता है और ये भी कॉज है तो ईवन होता है दोनों ईवन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी ईवन ही आएगा ठीक हो गया अब एक्स जो है ये क्या है ऑड है क्योंकि इसके अंदर माइनस पुट करेंगे तो माइनस आएगा ना ख़त्म तो नहीं होगा और साइन भी ऑड होता है और ऑड और ऑड मल्टीप्लाई हो तो ईवन आंसर आता है इसलिए ये ईवन फंक्शन है इसी तरह से साइन एक्स और कॉज एक्स है तो साइन ऑड होता है कॉज इवन होता है ऑड और इवन मल्टीप्लाई हो तो आंसर ऑड आता है तो ये ऑड आ गया हमारे पास इसी तरह से टू एक्स प्लस थ्री और साइन फोर एक्स साइन तो हमें पता है ऑड होता है इसको पता करना पड़ेगा टू एक्स प्लस थ्री को देखें जब आप टू एक्स प्लस थ्री लिखते हैं तो एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स पुट करें तो ये माइनस टू एक्स प्लस थ्री आएगा यानी उसके इक्वल तो नहीं आया अब हम माइनस कॉमन ले कर देख लेते हैं अगर हम माइनस कॉमन ले लें फिर भी ये उसके इक्वल नहीं आ रहा ना तो ये वैसे उसके इक्वल आ रहा है ना माइनस कॉमन लेने से उसके इक्वल आ रहा है यानी ये ना तो इवन है ना ही ऑड है तो इसलिए आपने यहाँ पे एन लिख दिया नीदर और नीदर के साथ चाहे इवन हो चाहे ऑड हो उसका आंसर नीदर ही होता है यानी ओवरऑल ये ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा साइन वैसे तो देखें हमारे पास ऑड होता है लेकिन यहाँ पे साइन का स्क्वायर आ गया ना तो अगर स्क्वायर है तो इसके अंदर अगर माइनस आएगा तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे साइन ईवन के तौर पे एक्ट करेगा अगर उसकी पावर टू आ रही है तो और कॉज तो वैसे ही ईवन होता है तो ईवन ईवन से मल्टीप्लाई का ईवन आंसर आएगा तो ये ईवन आ गया एक्स क्यूब हमने देखा है ऑड होता है क्योंकि इसके अंदर माइनस रहेगा आंसर में और जो ई पार एक्स है ना वो ना तो ईवन होता है ना ऑड होता है तो वो फाइनल आंसर जो होगा वो भी हमारा नीदर आएगा ई की कोई भी पावर आ जाए ठीक है आपने देखना है कि ई की पावर में अगर एक्स आ रहा है ना तो वो नीदर है लेकिन अगर एक्स का स्क्वायर आ रहा है तो फिर वो इवन हो जाएगा और अगर एक्स का क्यूब आ रहा है फिर वो ऑड हो जाएगा और अगर कोई पावर नहीं है इसका मतलब है वो नीदर है नेक्स्ट देखें नाइन एक्स पार फोर तो अगर यहाँ माइनस पुट करेंगे तो वो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा ना फोर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी ये इवन फंक्शन आ रहा है और साइन तो ऑड होता है इवन ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ऑड आ जाएगा अब कुछ यूजफुल फैक्ट्स हैं यहाँ पे फॉर इवन फंक्शन अगर फंक्शन इवन हो और लिमिट्स माइनस ए से ए तक हो, तो आप क्या करते हैं अगर नीचे वाली लिमिट जो माइनस है ना उसको ज़ीरो कर दें तो बाहर टू लगा देते हैं देखें क्या मतलब है इस बात का आपके पास ये ए है और इस साइड पर माइनस ए है फॉर एग्जाम्पल अब ये ए से माइनस ए तक आपका एक ग्राफ बना है ठीक है आप कहते हैं कि आप लिमिट्स माइनस ए से ए तक जाने की बजाय जीरो से ए तक जाना चाहते हैं यानी सिर्फ इतना पार्ट लेना चाहते हैं तो ये ग्राफ हाफ़ हो जाएगा ना यानी जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उसको आपको हाफ़ करना पड़ेगा यानी टू से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप टू से डिवाइड करें तो बाहर टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे अब इस पूरे फंक्शन को अगर आप सिर्फ एफ ऑफ एक्स कह दें तो बाहर वाला टू एज इट इज़ तो ये टू एफ ऑफ एक्स बनता है तो इसलिए आप बाहर टू लगा देते हैं और अंदर एफ ऑफ एक्स यानी जीरो से ए तक ये आधा फंक्शन है और ये आधा फंक्शन यानी इसको इधर ही डबल कर दिया हमने ठीक है तो ये हमारे पास अगर लिमिट्स इस तरह से हों और आप नीचे वाली लिमिट को जीरो कर दें तो साथ में टू मल्टीप्लाई करना पड़ता है और अगर फंक्शन ऑड हो तो माइनस ए से ए तक अगर आप जा रहे हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो ये दो आपने याद रखनी है कंडीशन ईवन के लिए आप बाहर टू लगा देते हैं अगर इसको जीरो करें तो ऑड हो तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस प्लस माइनस लिमिट्स हों तो वो क्या हो जाती हैं ज़ीरो हो जाती हैं शूरम है यहाँ पे हमारे पास अगर फंक्शन डिफाइन किया हुआ हमने एक इंटरवल के ऊपर माइनस पाए से पाए और जो एफ ऑफ एक्स है वो ईवन है तो जो फोर ईयर सीरीज होंगी ना वो सिर्फ को साइन के लिए हम निकालेंगे यानी उसमें साइन वाली कोई टर्म नहीं आएगी सिर्फ कॉज वाली टर्म्स आएंगी अगर एफ़ ईवन है तो देखें इसका प्रूफ है यहाँ पे अच्छा जी प्रूफ में मैंने यहाँ पे कर दिया है आपके पास कि फोर ईयर सीरीज में ए नॉट इक्वल होता है वन आवर पाई माइनस पाई टू पाएफ एक्स डीएक्स फॉर्मूला लिखा अब माइनस पाए को अगर हम देखें यहाँ से जीरो में कन्वर्ट करते हैं तो हमने कहा था कि अगर ये जीरो में कन्वर्ट होगा तो साथ में टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना क्योंकि हम इवन फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं हमने ऊपर थ्योरम के अंदर बता दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है इवन है ठीक है तो इवन के लिए हम क्या करेंगे टू बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे अब ये तो बाहर टू ओवर पाए बन गया और जीरो टू पाए एफ ओफ एक्स डी एक्स ये ए नॉट का आंसर आ गया अब फॉर सीरीज़ के लिए दो और चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं ए एन और बी एन तो एन हम निकालते हैं ए एन का पहले तो आपने फॉर्मूला लिखा एज इट इज जैसे होता है अब एफ ऑफ एक्स क्योंकि ईवन है तो आप अगर इसको जीरो करते हैं तो बाहर टू आ जाएगा और अंदर एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स ये भी ठीक हो गया अब बी एन निकालना है हमने बी एन में माइनस पाए से पाए तक है अब देखें ये तो इवन क्यों था क्योंकि एफ ऑफ एक्स इवन है और कॉज भी इवन है तो इवन इनटू इवन हमारा टोटल जो फंक्शन बन रहा था वो इवन बन रहा था तो इसलिए हमने उस पर वो टू बाहर निकाल के जीरो कर दिया लेकिन यहाँ पे जो बी एन का फॉर्मूला है तो 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 आ रहा होता होता है 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 ना लेकिन आपको पता ऑड ऑड आएगा तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि पूरा जो फंक्शन है वो तो एज अ होल ऑड के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं ना और अभी हमने पीछे कहा है ऑड फंक्शन के लिए हम अगर लिमिट्स हों तो उनको डायरेक्ट क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं तो बी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई ज़ीरो तो अब अगर हम फोर ईयर सीरीज़ लिखते हैं ना तो फॉर ईयर सीरीज़ के अंदर पहले क्या आता है वन बाय टू ए नॉट आता है प्लस सिग्मा ए एन कॉज एन एक्स आता है प्लस बी एन साइन एन एक्स आता है तो बी एन तो ज़ीरो है तो ये वाली टर्म क्या हो गई जीरो हो गई तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना है हमने तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिर्फ कॉज वाली टर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं साइन वाली कोई टर्म इसके अंदर नहीं आ रही तो ये फॉर्मूला जो थ्योरम है वो यही कह रहा था कि अगर एफ एफ एक्स ईवन हो तो फोर ईयर सीरीज जो है उसके अंदर सिर्फ कौन सी टर्म्स आती हैं कॉज वाली टर्म्स आती हैं तो देखें यहाँ पे सिर्फ कॉज वाली आ रही है साइन वाली टर्म नहीं आएगी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं अब द वे फॉर्म शोन इन सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सेज यानी ये ये क्वेश्चन नहीं है सॉरी ये मैंने मार्केट से गलती से लिख दिया है क्वेश्चन में ना सिर्फ आपको ग्राफ दिया हुआ है ठीक है तो ग्राफ से आप देखें कि ये जो आपको एक ग्राफ गिवन है ये एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है ना ये y एक्सिस है इसके इधर भी इसकी सेम शेप है इधर भी सेम शेप है यानी ये y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है यहाँ से हमें पता चल गया कि ये इवन है क्योंकि ईवन ही होता है ना वो जो y एक्सिस के अलाग सिमेट्रिकल हो उसके बाद इवन तो हमने यहाँ से बता दिया कि ये इवन है फिर यहाँ पे कोई साइन फंक्शन यूज नहीं होगा क्योंकि अभी हमने पीछे एक रिलेशन ड्राइव किया थ्यूरम के अंदर कि अगर फंक्शन ईवन हो तो फोर फोर ईयर सीरीज के अंदर कोई भी साइन वाली टर्म नहीं आती सिर्फ कॉज वाली टर्म्स आती हैं तो हमने ये फार्मूला लिख लिया वन बाई टू ए नॉट प्लस सिग्मा ए एन कॉज एन एक्स बी एन साइन एन एक्स हमने नहीं लिखा ठीक है ये दोबारा से दिखा दूं मैं आपको अभी जो हमने ये ड्राइव किया था ना ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है अब वन ओवर ए नॉट की वैल्यू हमने पहले फाइंड करनी है तो ए नॉट की करके फिर हम ए एन की करेंगे और फिर दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए ए नॉट का ये फॉर्मूला लिखा हमने अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स ईवन है हमने ऊपर बता दिया ना कि वो इवन है ईवन है तो हम टू बाहर लगा के अंदर इसकी लिमिट जो है वो जीरो कर सकते हैं अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स कैसे पता चलेगा क्या है देखें जी इस ग्राफ को अगर आप देखें ना तो यहाँ से दो फंक्शन आते हैं हमारे पास एक तो एफ ऑफ एक्स की ये लाइन आ रही है ना यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू फोर होगा जब लिमिट्स जो है माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू तक है माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू तक है एक्स और फिर एक दफ़ा जो वाई है वो जीरो है सॉरी माइनस पाए बाय टू ने ये हमने इसको कट किया ना यहाँ से तो ये जीरो से शुरू हो रही हैं सॉरी ज़ीरो से पाए बाय टू तक क्योंकि हमने कट करने के बाद सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करना है ना तो ये फोर है जब वाई एक्स की वैल्यू क्या है जीरो और यहाँ पे ये वाई ज़ीरो है जब एक्स की वैल्यू एफ़ ऑफ एक्स जो है यानी वाई वो ज़ीरो आ रहा है जब एक्स की वैल्यू पाए बाय टू से कहाँ तक जा रही है थ्री पाए बाई टू तक यहां हम ये यह कह सकते हैं कि यहाँ से इतना पार्ट रिपीट हो रहा है क्योंकि इतना तो सेम है ना आगे तो ये हमारा फंक्शन है ये वाला यहाँ तक ठीक है उसके बाद ये अगला फिर रिपीट हो रहा है तो यानी एफ़ ओफ एक्स जीरो कब आ रहा है जब माए पाए बाय टू से कहाँ तक जा रहे हैं पाए तक जा रहे हैं तो ये दो लिमिट्स भी हमने लिख लिए और फंक्शन भी लिख लिए तो अब जब आपने इसको ओपन करना है ना फंक्शन को तो फंक्शन के अंदर दो आएंगे एक तो एफ ओफ एक्स डी एक्स और दूसरा भी एफ ओफ एक्स डी एक्स एक के साथ लिमिट्स जो हैं वो जीरो से पाए बाय टू तक आएंगी दूसरे के साथ पाए बाय टू से पाए तक आएंगी ये जो हमने ऊपर लिखी है अभी ठीक है ये लिमिट्स हमने पुट कर दी और वैसे भी अगर हम देखें जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें हमने पाए से ऊपर नहीं ना जाना तो हम पाए पे ही लास्ट लिमिट रखेंगे अपनी अब एफ ऑफ एक्स एक तो फोर है दूसरा जीरो है तो जीरो वाला तो ख़त्म हो जाएगा फोर वाले को आप इंटीग्रेट करेंगे तो फोर इंटू वन की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी उसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट करके आंसर हमारा क्या आ रहा है फोर आ रहा है तो ये ए नॉट की वैल्यू आ गई अब हमने निकालनी है ए एन की वैल्यू देखें जी एन की वैल्यू फॉर्मूला लिखा है ए एन का और अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो कॉज भी तो इवन है ना तो यानी एज अ होल ये इवन है तो इवन के अंदर हम बाहर टू मल्टीप्लाई करके अंदर लिमिट को जीरो कर सकते हैं साथ एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स अब एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज हैं हमारे पास फोर और जीरो वो हमने पुट की लिमिट्स भी साथ में लगा दी अब फोर वाले की तो इंटीग्रेशन होगी लेकिन जीरो वाला तो ये तो सारा खत्म होकर जीरो हो जाएगा ना फोर एज इट इज़ कॉज की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स ओवर एन और साइड पे लिमिट जीरो से पाए बाय टू तक आ गई अब आपने क्या करना है यहाँ से फोर को तो बाहर निकाल लें तो फोर टू ज़ार ये एट ओवर एन पाए हो जाएगा ये एन भी बाहर निकाल लें अंदर साइन इस एक्स की जगह आपने अपर लिमिट पुट करनी है साइन एन पाए बाई टू माइनस साइन एन इंटू ज़ीरो तो साइन ज़ीरो ये तो सारा जीरो हो गया साइन एन पाए बाई टू हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा अब साइन एन पाए बाई टू भी आगे से जो है वो क्या तीन तरह का हो सकता है अगर इवन वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे ना यानी टू पाए या फोर पाए तो साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है लेकिन अगर वन फाइव नाइन इस तरह की हम कोई पुट करते हैं जिनके बाद फोर फोर का डिफरेंस आ रहा है वन फाइव नाइन थर्टीन तो इसका आंसर प्लस वन आता है और अगर साइन थ्री पाए निकालें या साइन सेवन पाए निकालें या साइन एलेवन पाए बाय टू निकालें तो वो जो है हमारा आंसर देता है माइनस वन तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे ठीक है तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं इवन के लिए तो ज़ीरो हो जाएगी लेकिन ऑड के लिए जब एन की वैल्यू वन फाइव नाइन हो तो उसका आंसर प्लस एट बाय एन पाई आएगा क्योंकि ये प्लस वन आता है तो वन इससे मल्टीप्लाई होकर एट ओवर एन पाई और थ्री सेवन इलेवन के लिए क्योंकि इसका आंसर माइनस वन आता है तो यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस एट ओवर एन पाई आ जाएगा अब आपने इसको फोर ईयर सीरीज के अंदर पुट करना है वन बाई टू ए नॉट की वैल्यू प्लस यहाँ पे अब देखें हमारे पास वन हमने पुट करना है ना पहले एन की वैल्यू वन तो वन के अंदर तो ए एन का आंसर ये आता है वो लिखें ठीक है और एन की जगह वन आ जाएगा साथ में कॉज एन की जगह वन एक्स प्लस इवन अब एन की वैल्यू टू पुट करनी है वन पुट कर ली अब टू पुट करनी है तो टू के लिए तो ज़ीरो हो जाएगा ना इवन के लिए तो जीरो है तो वो डायरेक्ट हमने ज़ीरो कर दिया फिर थ्री पुट करनी है तो थ्री के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं माइनस वाला तो एट ओवर थ्री पाए और कॉस थ्री एक्स प्लस फोर दोबारा से इवन हो गया तो इवन के लिए तो वो जीरो है तो फिर ज़ीरो आ जाएगा फिर फाइव फाइव इसके अंदर आ रहा है तो वो प्लस में आता है तो एट ओवर फाइव पाए कॉस फाइव पाए इस तरह से ही आगे चलती जाएंगी सीरीज़ अब यहाँ पे कटिंग कर लें आप तो यहाँ पे टू आ जाता है प्लस एट ओवर पाए सब में कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें अंदर कॉज एक्स माइनस नाइन इस तरह से आगे ऑर्ड नंबर सिर्फ आएंगे आपके पास थ्यूरम टू है में हमने पढ़ा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन हो तो उसके अंदर सिर्फ कॉज वाली टर्म्स आती हैं उसके ऑपोजिट ये हो जाएगा कि अगर एफ ऑफ एक्स एक ऑर्ड फंक्शन हो तो उसके अंदर सिर्फ साइन वाली टर्म्स आती हैं तो कॉज वाली कोई टर्म नहीं आएगी इसका भी प्रूफ है यहाँ पे नीचे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखें एफ ऑफ एक्स अगर ऑड हो तो माइनस पाए से पाए तक फंक्शन जो है उसको क्या होता है जीरो होता है ये हमने पीछे पढ़ा था ना इवन के लिए हम टू मल्टीप्लाई करके इसको जीरो कर देते हैं ऑड के लिए ये सारा जीरो हो जाता है तो अगर हम माइनस पाए से पाए तक डायरेक्ट जाने की बजाय माइनस पाए से ज़ीरो तक चले जाएं और प्लस जीरो से पाए तक तो दो दफ़ा ये ऐड हो जाएगा ना फंक्शन यानी इसको हमने टू के सम के इक्वल लिख लिया ये वाला प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा रिज ये रिजल्ट आगे यूज़ हो सकता है हमारा अच्छा जी अब ए नॉट की वैल्यू निकालनी है हमने ए एन की निकालनी है और बी एन की निकालनी है प्रूफ के तौर पे ए नॉट का फॉर्मूला लिखा अब एफ ऑफ एक्स क्योंकि ऑर्ड नंबर है इस थ्योरम के अंदर हम ऑड नंबर कह रहे हैं ना तो ये अगर ऑड है तो ये तो सारा जीरो हो गया जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा ए एन की वैल्यू लिखें एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स तो एफ ऑफ एक्स तो क्या है एक ऑर्ड नंबर है और कॉज जो है वो तो ईवन होता है ऑर्ड इन टू ईवन क्या आ जाएगा हमारे पास ऑर्ड यानी ये पूरा एज अ होल ऑड के तौर पर रिएक्ट करेगा तो ऑड के लिए जब लिमिट्स होती हैं तो वो डायरेक्ट हम ज़ीरो कर देते हैं इसी तरह से बी की वैल्यू निकालते हैं बी का फॉर्मूला लिखा हमने अब एफ ऑफ एक्स ऑड है और साइन भी तो ऑड होता है तो ऑड और ऑड मल्टीप्लाई के आंसर ईवन आ जाएगा तो ईवन के लिए हम ये कर सकते हैं कि टू बाहर मल्टीप्लाई कर दें और अंदर लिमिट को जीरो कर दें साथ में एफ़ ऑफ एक्स साइन एन एक्स तो ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई तो जब हम फोर ईयर सीरीज़ में लिखेंगे इनको तो ए एन की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी ए ए नॉट की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी ए एन की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी सिर्फ बी एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यानी सिर्फ साइन वाली टर्म्स आएंगी कॉज वाली टर्म उसके अंदर नहीं होगी अब इसकी भी एग्जाम्पल कर लेते हैं एक हम सेकेंड जो थ्यूरम है उससे रिलेटेड आपको फंक्शन की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और साथ में बताया कि ये पीरियॉडे है आफ्टर टू पाए तो फंक्शन जो है ऑड है ठीक है फंक्शन ऑड है यानी देखें क्योंकि ये ओरिजिन के अलोंग है ना ये ग्राफ आपको दिया होगा पेपर में और अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये ऑर्ड फंक्शन है ग्राफ नहीं दिया हुआ तो इन वैल्यूज़ को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं अब देखें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक ऑर्ड फंक्शन अगर आ रहा है हमारे पास तो उसके अंदर ए नॉट और ए एन तो डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे ना अभी हमने पीछे देखा था सिर्फ हमने बी एन की वैल्यू निकालनी है तो बी एन का फॉर्मूला लिखा अब यहाँ पे क्योंकि ये ये भी ऑर्ड है ये भी ऑर्ड है तो एज अ होल तो ये इवन के तौर पर एक्ट करेंगे इवन के लिए हम बाहर टू मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर जो है लिमिट ज़ीरो कर देते हैं अब एफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने दो पुट करनी है एक दफ़ा सिक्स और एक दफ़ा माइनस सिक्स लेकिन देखें जब माइनस सिक्स है जो साइन एन एक्स है ना अब जो लिमिट है वो तो हमने डायरेक्ट खुद ही ज़ीरो कर दी ना बाहर टू कॉमन निकालने के बाद अंदर हमने लिमिट खुद ही जीरो कर दिया है तो लिमिट हमारी आ रही है जीरो से टू पाए तक लिमिट कहाँ तक आ रही है हमारी ज़ीरो से टू पाए तो जीरो से टू जीरो से पाए सॉरी तो ज़ीरो से पाए हमारी लिमिट कहाँ पे है जब एफ ऑफ एक्स सिक्स है जो माइनस सिक्स है वो तो माइनस पाए वाला है ना लेकिन हम क्या कर रहे हैं जीरो से, दिरुम से, दिरुम से, से, से पाए तक लिमिट पुट कर रहे हैं इसके अंदर क्योंकि टू बाहर करने से ये जीरो हो गया तो जीरो से पाए जब लिमिट है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिक्स है तो आपने सिर्फ सिक्स वाला फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे अब सिक्स बाहर निकाल लें ठीक है तो सिक्स टू जर यहाँ पर ट्वेल्व हो जाएगा और साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन ये एन भी बाहर आ जाएगा अंदर माइनस कॉज एन एक्स सिर्फ बचा आपके पास उसके अंदर आप अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें अपर लिमिट पुट करेंगे कॉज एन एक्स ये माइनस माइनस लगा के माइनस कॉज ज़ीरो तो कॉज जीरो वन होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉज एन एक्स आ गया बाहर ट्वेल्व बाई एन पाई एज इट इज़ अंदर वन माइनस कॉज एन एक्स अब अगर एन ईवन हो यानी यहाँ पे टू पाए फोर पाए या सिक्स पाए आ रहा है तो इसकी वैल्यू जो है वो वन आती है तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा और अगर एन ऑड है तो इसकी वैल्यू माइनस वन आती है वो माइनस वन पुट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी और टू ट्वेल्व आर ट्वेंटी फोर बाई एन आ जाता है अब अगर आप यहाँ पे ईयर सीरीज देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्योंकि ए नॉट और ए एन तो जीरो है ना सिर्फ बी वाली टर्म आएगी अब बी वाली टर्म के अंदर आपने एन की वैल्यू जब वन पुट करनी है तो वन क्या है ऑड है ये देखें जी यहां पे हमने लिखा था एन ऑड ऑड होगा तो आंसर जो है वो क्या आएगा ट्वेंटी फोर बाय एन पाए आएगा तो यहाँ पे आप बी एन की जगह ट्वेंटी फोर बाय एन की जगह वन तो सिर्फ पाई साइन एन की जगह वन तो सिर्फ एक्स प्लस

इसके अंदर वैल्यू पुट करके 24 फोर बाय फाइव और साइन 5x ये हमारे पास फोर ईयर सीरीज आ गई अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे 24 फोर बाय आप कॉमन ले लें अगर तो अंदर साइन एक्स प्लस वन बाय कटिंग करने के बाद यहाँ पे जब आपने 24 कॉमन लिया तो 1 बाय थ्री बचेगा साइन 3x एक्स प्लस वन बाय फाइव साइन फाइव इस तरह से ये सीरीज़ आगे चलती जाएंगी तो यहाँ से हमें पता चलता है के जो इवन फंक्शन और ऑर्ड फंक्शन है उनमें क्या होता है इवन के अंदर सिर्फ कॉज वाली टर्म्स आती हैं और ऑड के अंदर सिर्फ साइन वाली टर्म्स आती हैं और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ना तो इवन हो ना ही ऑड हो तो फिर आपको तीनों फाइंड करनी पड़ेंगी ए नॉट बी एन बी और बी एन बी यहाँ पे तो हमें ज़रा आसानी हो गई थी ना कि इवन के अंदर हमने सिर्फ ए एन और ए नॉट फाइन किया ऑड के अंदर हमने सिर्फ साइन वाला फाइंड किया बी एन फ़ाइन किया और जब इवन और ऑड दोनों में से कोई भी ना हो तो फिर आपको तीनों फाइंड करनी पड़ती हैं